₹10,000 का अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड, ठीक है, जिसमें आप GTA 5 से लेके आपका उसी लेवल का जो भी गेम है जैसे पबजी हो गया ये सब खेल पाएंगे, ठीक है। तो स्वागत है आपका और मेरे इस नया वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है ₹25,000 के अंदर जो है एक पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें आप बेसिक से लेके एंट्री लेवल का सब कुछ गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जेब्रोनिक्स का H61 मदरबोर्ड, जो कि मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ जेब्रोनिक्स का। ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड को मैंने हाथ पे ले लिया। सबसे पहले जेब्रोनिक्स का मैं आपको लाइव जो है पीसी बिल्ड दिखाऊंगा मेरा इस चैनल पे। तो ये जेब्रोनिक्स का 61 मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है पोर्ट का इन्फॉर्मेशन और बाकी का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही डाला हुआ है। मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगा, जहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि ये जो है क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। नॉर्मल कैबिनेट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि RGB कैबिनेट इतना कम बजट में आता नहीं है। RGB रैम लगा देंगे इसमें और आपका 1 TB हार्ड ड्राइव का साथ लगा देखते हैं। तो पीसी बिल्ड का लाइव वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। ये जो है आपका कैबिनेट है जेब्रोनिक्स का विद SMPS इंस्पायर, इसका भी वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। ये इसका मदरबोर्ड के साथ जो बैक साइड का जो चेसिस आता है वो चेसिस है। इसको जो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ सबसे पहले। जैसे ब्रॉनिक्स का जितना भी मदरबोर्ड आता है उसका साथ जो ये बैक का जो प्लेट आता है वो लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि ये बैक का नहीं है। लोकल जितना भी कैबिनेट होता है सब में यही प्रॉब्लम है कि ये कंफर्टेबल प्रोडक्ट में दिक्कत हमेशा लगा ही रहता है। देख सकते हैं इसमें भी हो रहा है, मेरे आगे वाला वीडियो में भी आपको दिखेगा ये चीज़। तो ये थोड़ा जो है साइज में दिक्कत करता है बैठाने में। कोशिश करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अनकट रखने का और आप लोगों के सामने जो है लाइव में बना के दिखाने का, ठीक है। ये इसका स्क्रू का पैकेट आ गया इसका साथ। तो ये इसका जो है मदरबोर्ड में ले लिया, इसका साथ कैबिनेट का साथ ये स्क्रू का एक पैकेट आता है जिसमें हर तरह का स्क्रू रहता है। तो हमने जो है पैकेट को खोल लिया, जितना भी स्क्रू है मैं ज़मीन पर रख दूँगा। ऐसे मेरे ऑफिस में जो है जगह का कमी होने की वजह से हम लोग ज़मीन पर रख के असेंबल करते हैं, और थोड़ा सिस्टम का अगर कस्टमर को भी चाहिए तो थोड़ा जल्दबाजी भी करता रहता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। देख सकते हैं कि अभी दोपहर का 3:30 बज रहा है और कस्टमर को 5 बजे तक सिस्टम डिलीवर करना है। तो हम लोग जितना जल्दी हो सके इसको लगाएंगे, इसमें OS वगैरह इंस्टॉल करेंगे और सब कुछ रेडी करके कस्टमर को देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं जो स्टैंड अप है मैंने 2 लगा दिया उधर का साइड में, 2 इधर का साइड में, 4 स्टैंड अप में काम चल जाएगा। ये माइक्रो ATX का मदरबोर्ड होता है जेब्रोनिक्स की तरफ से। 25,000 में ये जो पीसी बिल्ड दे रहे हैं हम, इसमें जो है कस्टमर चाहे तो छोटा मोटा जितना भी गेम है वो आराम से खेल सकता है और डे टू डे ऑफिस वर्क भी कर सकता है, साथ में जो एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है मैं मदरबोर्ड को लगाने से पहले इसमें जो है 2-3 चीज़ें और कर लूँगा। देखिए इसको मैं खोल लेता हूँ। ये मदरबोर्ड के साथ जो आपका CPU होता है, CPU सॉकेट में जो गार्ड लगा होता है मैंने उसको हटा दिया। प्रोसेसर के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये प्रोसेसर होता है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। 1 साल का वारंटी के साथ आता है, ये हम लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा। मैं सारा प्रोडक्ट का लिंक और प्राइसिंग मैं दे दूँगा। हम लोग अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट सबका थ्रू ऑल ओवर इंडिया पे जो है कैश ऑन डिलीवरी पे माल बेचते हैं। अच्छा तो डायरेक्टली भी हमसे परचेस कर सकते हैं। देखते हैं प्रोसेसर पूरा इस तरह का सील पे आता है, सील बॉक्स कंडीशन पे ही आता है। तो ये जो है हमने प्रोसेसर को खोल लिया। खोलने के बाद यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो दो नॉच है वो दो नॉच देख के आपको बैठाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक एरो बना हुआ रहता है प्रोसेसर में, वो जो एरो है यहाँ पे बोर्ड पे भी बना हुआ रहता है। तो कोशिश करूँगा कैमरा को फोकस कराने का। ये जो छोटा सा एरो है इसमें ये जो एरो है इन दोनों को बैठाना पड़ता है। तो इसको जो है मैं ऐसे रख दूंगा तो ये बैठ जाएगा आराम से, ठीक है। i5 थर्ड जनरेशन का मैं प्रोसेसर दे रहा हूँ, तो उसके साथ इंटेल का जो है i5 का फ़ैन मैं दे रहा हूँ साथ ही साथ। तो फ़ैन को भी मैं खोल लेता हूँ। जो है मैंने फ़ैन को खोल लिया। देखिए फ़ैन में पहले से ही थर्मल पेस्ट लगा हुआ आता है, तो पहले से थर्मल पेस्ट इसमें लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये अच्छा क्वालिटी का फ़ैन लगा, यही फ़ायदा होता है कि थर्मल पेस्ट इसमें दिया हुआ रहता है। तो मैं सबसे पहले इसका जो लॉक है लॉकों को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि आप लोगों को जितना हो सके लाइव और अनकट वीडियो देने का। तो हो सकता है कि कैमरा से मेरा 1-2 बार हाथ फोकस आउट ऑफ फोकस हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि कैमरा पकड़ने लायक कोई है भी नहीं है।
यहाँ पे, तो कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो देने का रोज़ का। और कस्टमर का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कई कई बार, तो बीच बीच में मेरे को जाना पड़ता है, उठ के बात करना पड़ता है, कई कई बार लैपटॉप वगैरह भी आ जाता है तो रिसीव करना पड़ता है, तो हो सकता है वीडियो बार बार पॉज हो सके। कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ कि जितना हो सके आप लोगों को वीडियो में समझाने का। तो मेरे चैनल में आपको इस तरह का वीडियो मिल जाएगा। ये जो है ये हमने यहाँ पे फ़ैन को इंस्टॉल कर लिया, और जो ये फ़ैन का सीपीयू फ़ैन का कनेक्टर है इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ से घुमा के ले आके, नहीं तो इधर से घुमा के ले आके यहाँ पे से लगा दूँगा। तो हमने फ़ैन को जो है अच्छे से लगा दिया। फ़ैन को एक बार लॉकिंग के लिए चेक कर लेता हूँ। ये पूरा फ़ैन को मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जो है इसको मैं यहाँ पर फिट कर दूँगा। इस वजह से मैं हमेशा नीचे रख के ही जो है पीसी असेंबल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है, टेबल टॉप पे इतना स्पेस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद जो है हमें स्टेप बाय स्टेप जो है मदरबोर्ड के सारे स्क्रूज को लगाना पड़ेगा। कोशिश रहता है कि जितना हो सके आपको अनकट वीडियो देने का। देख सकते हैं ये जो चेसिस है इसका वजह से मेरा जो मदरबोर्ड है वो बैठ नहीं रहा है अच्छे से। इसको एक बार अच्छे से बैठा लेते हैं। कंपनियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको क्वालिटी वाइज जो है थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हर कैबिनेट में अच्छे से बैठ जाए। ये तो ज़ेब्रोनिक्स का ही बोर्ड है, ज़ेब्रोनिक्स का कैबिनेट है तब भी इतना दिक्कत कर रहा है, तो अदर्स कैबिनेट जैसे आईवॉल वगैरह में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है कई कई बार, जिसको थोड़ा प्रेशर दे के बैठाना पड़ता है। तो ये चीज़ तो इम्प्रूव करना चाहिए ज़ेब्रोनिक्स को भी। तो मैं जो है यहाँ पर इसको लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है इधर का भी स्क्रू को लगा लेता हूँ। देख सकते हैं थोड़ा प्रेशर हो रहा है, थोड़ा सा मुझे प्रेशर दे के लगाना पड़ रहा है। अब रीज़न इसका पीछे क्या है पता नहीं, ट्रांसपोर्ट में मेरा कैबिनेट वगैरह भी आता है दिल्ली वगैरह से, तो हो सकता है इसमें भी थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा सा डेंट वगैरह आ जाता है कई बार, तो उस वजह से बैठने में दिक्कत होता है। तो जो भी है ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है कि इसका वजह से कोई बोर्ड में दिक्कत हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या है कि इसका एडजस्टमेंट करने में थोड़ा नया जो काम कर रहा है पहली पहली बार लगा रहा है उसको दिक्कत होता है। हम लोग बैठा देते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस हो गया हम लोग ऐसे लगा लगा के। तो जब तक मैं नाट लगा लेता हूँ सारा स्क्रूस को लगा लेता हूँ, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर दे रहा हूँ। इसमें जो है ज़ेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड इंस्टॉल कर लिया, और वीडियो में थोड़ा बीच में पॉज कर दिया था क्योंकि स्क्रू लगाने में मेरे को हेल्प चाहिए था, तो प्रेशर थोड़ा हो रहा था। अब कैबिनेट में थोड़ा टेपर है कि क्या है मेरे को समझ नहीं आया, तो इसमें मैं 120 GB का SSD का इस्तेमाल करूँगा सी ड्राइव के लिए, वो भी ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से ही आता है। तो ज़ेब्रोनिक्स का 120 का जो ये है आपका SSD है, इसका भी परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसको लगा लेता हूँ एक बार। ये सब कैबिनेट में एक और दिक्कत होता है कि यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी कंपोनेंट लगाने में दिक्कत करता है। देख सकते हैं स्क्रू मैच कराना पड़ता है, तो कहाँ मैच होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं होता कि हाँ जो हर वक्त ऐसे ही मैच हो जाता है। तो ज़ेब्रोनिक्स का 120 GB का मैं यहाँ पे SSD का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए स्क्रू लग नहीं रहा है, तो मुझे इसे छोटा स्क्रू कहीं से जुगाड़ करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि SSD के साथ कोई भी स्क्रू नहीं आता। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ बाहर घुमा के भी कितना तक जा रहे हैं।
हाँ ये बहुत ज़्यादा जो है ब्लैंक स्पेस पे रह जा रहे हैं। सब पीछे का साइड अगर मैं इसको लगाने का कोशिश करूँगा तो पीछे का साइड जो है फुल थ्रेड में जा रहा है, तो कोशिश करता हूँ इसको ऐसे बैठाने का। अगर दो होल मेरा मैच हो जाता है तो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक मैच हो रहा है। वीडियो हो सके तो लंबा होगा लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बता के छोड़ दे रहा हूँ कि ये मदरबोर्ड लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ साथ में कि ऐसे लगाया जाता है। तो कैमरा में हो सके तो बीच बीच में मेरा फोकस मेरा हाथ में हो जा रहा है, मेरे को जैसा लग रहा है। तो देख सकते हैं कि स्क्रू लगाने में दिक्कत होता है क्योंकि ये जो आपका SSD वगैरह है इसका साथ कोई भी स्क्रू नहीं आता, तो हम लोगों को जो है अरेंज करके लगाना पड़ता है, नहीं तो कैबिनेट स्क्रू से काम चलाना पड़ता है। तो कई बार कैबिनेट स्क्रू बहुत ही अच्छा फिट हो जाता है और कई बार लगने में दिक्कत कर देते हैं थोड़ा सा भी मूव कर जाने से। देखिए एक साइड का मैंने लगा दिया स्क्रू, इसके एक और कोने में मुझे एक और स्क्रू लगाना पड़ेगा। मैं अभी तक कोई भी केबलिंग और वायरिंग नहीं किया हूँ, ठीक है। जस्ट कंपोनेंट को जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप असेंबल कर रहा हूँ। देख सकते हैं दोनों साइड में मैं लगा दिया, इस केस में और मुझे लगाने का ज़रूरत नहीं है। हार्ड ड्राइव में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ CS कंपनी का, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले आ गया है, हमने जो है इसको टेस्ट बेंच पर रखा। मेरा टेस्ट बेंच का हालत आप देख ही सकते हैं, बोर्ड में काम करते करते बीच में सिस्टम बना रहा हूँ। और ये देखिए वही वाला मदरबोर्ड है, ठीक है। हमने यहाँ से जो है डिस्प्ले का पोर्ट ले जाके जो है यहाँ पे लगाया, तो इसमें बराबर डिस्प्ले आ रहा है। तो बाकी इसमें हम वॉइस इंस्टॉल करेंगे और आपको फाइनल जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार दिखा देंगे, परफॉर्मेंस वगैरह सब दिखा देंगे, ठीक है।